सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनराइज एजुकेशन हब को और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धातुओं के अयस्क पढ़ लिए थे। आज हम धातुओं के प्रमुख यौगिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है केवल वो ही पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के प्रमुख यौगिक। पहला है अपना NaCl। NaCl होता है साधारण नमक। ये जो साधारण नमक है इसके क्या क्या गुण होते हैं? पहला इसका गुण है रंगहीन, मतलब ये होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। दूसरा इसका गुण है जल में विलेय, मतलब ये है कि ये जो NaCl है साधारण नमक है ये जल में विलेय होता है, मतलब ये जल में घुल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो NaCl है इसका यूज, इसका उपयोग है वो कहां कहां होता है। साधारण नमक जिसका यूज होता है भोजन में प्रमुख रूप से, क्योंकि ये भोजन का है, वो एक आवश्यक घटक है। उसके बाद ये जो NaCl है इससे हम कई प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, जिसमें पहला है अपना NaOH जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है अपना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके अलावा है HCl और Cl2। Cl2 एक गैस है जिसको बनाने के लिए हमें NaCl की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो NaCl है इसका योग हिमकारी मिश्रण के निर्माण में भी होता है। दोबारा देख लेते हैं, NaCl है हम पढ़ रहे हैं धातुओं के प्रमुख यौगिक, जिसके अंदर अपना पहला यौगिक है NaCl साधारण नमक, जिसका गुण है रंगहीन, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा है कि यह जल में विलय होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं भी NaCl का उपयोग है वो कहां कहां होता है। NaCl है वो भोजन का प्रमुख घटक है, मतलब इसका योग है, उपयोग भोजन के अंदर होता है। उसके अलावा NaOH, Na2CO3, NaHCO3, HCl, Cl2 आदि यौगिकों के निर्माण में NaCl का उपयोग होता है। लास्ट है हिमकारी मिश्रण में। नेक्स्ट है अपना NaOH कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका क्या क्या गुण होता है, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब सफेद कलर होता है इसका, क्रिस्टलीय ठोस है, इसकी निश्चित संरचना होती है और ठोस होता है। उसके बाद ये जो कास्टिक सोडा है NaOH ये जल में विलेय होता है। इसकी प्रकृति होती है वो साबुन के समान चिकनी होती है। इसके अलावा ये जो कास्टिक सोडा है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये दाहक प्रकृति रखता है। दाहक का मतलब ये होता है कि यदि ये NaOH मतलब कास्टिक सोडा हमारी चमड़ी के संपर्क में आ जाता है तो हमारी चमड़ी है उसको जला देता है। ये जो प्रकृति है वो दाहक प्रकृति कहलाती है। अब देखते हैं कि ये जो NaOH है इसका यूज कहां कहां होता है। NaOH यानी कास्टिक सोडा का जो प्रथम उपयोग है वो होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। जब हम पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं तो उसके अंदर NaOH का यूज किया जाता है। उसके अलावा प्रयोगशाला के अंदर विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में अभिकर्मक के रूप में NaOH का यूज किया जाता है। उसके अलावा सोडा लाइम बनाने में और बॉक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसके सांद्रण में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अपनी डेयरी होती है मतलब मिल्क प्लांट, उसके अंदर भी NaOH यानी कास्टिक सोडा है उसका यूज किया जाता है। जब दूध के अंदर ये जो कास्टिक सोडा होता है उसको डाल दिया जाता है तो वह खट्टा नहीं होता है। दोबारा देख लेते हैं, NaOH कास्टिक सोडा पढ़ रहे हैं हम, उसके क्या क्या गुण है। पहला है भी ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ये जो NaOH है वो जल में विलयशील होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि NaOH की प्रकृति है वो साबुन के समान चिकनी होती है। उसके बाद क्षारीय प्रकृति होती है NaOH की और इसकी प्रकृति है वो दाहक, मतलब चमड़ी जलाने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि NaOH है इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। पहला है अपना पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, उसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सोडा लाइम के निर्माण में और बॉक्साइड जो अयस्क होता है एल्यूमिनियम का उसके सांद्रण में। इसके अलावा डेयरी यानी कि मिल्क प्लांट में भी NaOH का यूज होता है।
नेक्स्ट है अपना NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। मीठा सोडा, मीठा है मतलब खाएंगे, यानी कि खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं NaHCO3 के क्या क्या गुण होते हैं। ये जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके अलावा जल में यह अल्प विलेय होता है। जल में अल्प विलेय का मतलब है कम ही घुलता है, और इसकी प्रकृति है वो दुर्बल क्षारीय होती है, मतलब यह एक दुर्बल क्षार है। इसके अलावा देखते हैं कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या उपयोग है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, और औषधि निर्माण में भी NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में भी NaHCO3 का यूज किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं NaHCO3 जिसको मीठा सोडा, खाने का सोडा भी कहा जाता है। अब इसके हम पढ़ रहे हैं गुण, इन भी मतलब इसकी क्या प्रकृति होती है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा जल में यह अल्प विलेय होता है, और यह दुर्बल क्षार होता है। हम देखते हैं भी NaHCO3 इसके क्या क्या उपयोग है। तो अपना पहला है बेकिंग पाउडर के निर्माण में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में। औषधि निर्माण में भी NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अग्निशामक यंत्रों में भी NaHCO3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में सिल्वर नाइट्रेट के नाम से कभी भी क्वेश्चन है वो नहीं आता है। प्रतियोगी परीक्षा में इसका नाम आता है लूनर कास्टिक। इसके अलावा हम देखते हैं इसके क्या क्या गुण है, क्या इसकी प्रकृति है। तो ये जो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, यह रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। रंगहीन का मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। अति विलेय, जल में यह अति विलेय होता है, मतलब यह जल में आसानी से घुल जाता है। इसके अलावा यह त्वचा, कागज और कपड़ा, इन तीनों को ही काला कर देता है। अब हम देखते हैं AgNO3 के क्या क्या उपयोग है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अमिट स्याही बनाने में, जब भी किसी प्रकार की वोटिंग होती है या किसी प्रकार की ओपन भर्ती होती है, उसके अंदर निशान लगाने के लिए जिस स्याही का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं अमिट स्याही, और जिसका निर्माण है वो AgNO3 की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा ये जो AgNO3 है, इसका उपयोग फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है, और रजत दर्पण के निर्माण में भी किया जाता है। दर्पण के बैक साइड के अंदर जो पॉलिश की जाती है वो AgNO3 की पॉलिश की होती है। दोबारा देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। अब इसकी प्रकृति है वो रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा यह जल में अति विलेय है। यह त्वचा, कागज और कपड़ा तीनों को ही काला कर देता है। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या उपयोग है। पहला है इसका अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में AgNO3 का यूज किया जाता है। इसके अलावा अमिट स्याही के निर्माण में भी AgNO3 का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी के अंदर AgNO3 का उपयोग होता है, और रजत दर्पण के निर्माण में भी AgNO3 का उपयोग होता है। नेक्स्ट है अपना सिल्वर हैलाइड। सिल्वर का मतलब Ag, हैलाइड का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी एक तत्व हो, इन सभी को हैलाइड बोला जाता है, समूह के रूप में। अब हमने नाम लिखा है सिल्वर हैलाइड, इसका मतलब एजी के साथ में इनमें से कोई एक होगा। पहला है अपना AgCl। ये जो AgCl है वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है।
एजीबीआर है वो हल्का पीला इसका रंग होता है और यह भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके बाद है अपना एजीआई, इसका रंग पीला होता है और यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। इन सभी का उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं सिल्वर हैलाइड। सिल्वर का मतलब है, एजी हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी एक। पहला हमने पढ़ा है AgCl, जिसका गुण है रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, ये हल्का पीला रंग का होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके बाद है AgI, सिल्वर आयोडाइड, रंग इसका पीला होता है और यह भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। इन सभी का उपयोग है वो फोटोग्राफी में होता है। अब प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन है वो यहां से पुटअप नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, निम्न में से कौन सा रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, तो अपना आंसर होगा AgCl। या फिर इस प्रकार से आ सकता है भी, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, तो हम करेंगे AgI। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने जो समझाया है वो आपके समझ में आया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।